खरगोन जिले के महेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम केरिया खेड़ी में चोरी का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जबकि युवक के परिजनों का आरोप है कि जबरन चोरी की घटना कबूल करने के नाम पर पुलिस द्वारा मारपीट की गई। इसी बीच जैश संगठन के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि ग्राम में चोरी के मामले में युवक अजय पिता राधेश्याम को थाने लाकर मारपीट की गई, जिसके विरोध में परिजन ग्रामीण सहित जैश संगठन ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान आदिवासी संगठन ने थाना प्रभारी के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की, जबकि पुलिस अधीक्षक ने 7 दिन के भीतर मामले में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। पूछताछ के लिए ले गए थे गवाह को पूछताछ करा दी और मारपीट कर दी उनके साथ। यह मामले में लेकर थे इस मामले चोरी के मामले वो गवाह चोरी के इल्जाम में था। सबकी घटना है 25 अक्टूबर। क्या हुआ, क्या था पूरा? उनके यहाँ पेंडल निकला था, चोरी होता है क्या निकला क्या। क्या नाम है आपका? पूजा। परिवार से कौन? महेश्वर थाना क्षेत्र का गांव बाग किरिया खेड़ी का मामला है। वहां पर कहीं चोरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। उस गांव के युवाओं को शक के आधार पर पुलिस थाना महेश्वर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के दौरान उनके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट की गई कि उस बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। क्या मांग करी? हमने मांग की है कि वहाँ के TI साहब को जाँच होने तक हटाया जाए और इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने जांच का पूर्ण आश्वासन दिया है। 7 दिन में हम इस प्रकरण की जांच कराएंगे और यदि हमारा पुलिस प्रशासन भी दोषी है तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह पवार, नेशनल जेएस संरक्षक, जिला खरगोन। महेश्वर थाने अंतर्गत एक आदिवासी महिला है, उनके निवास पे नकबजनी की घटना घटित हुई थी, जिसमें उनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है, जिसमें लगभग 60,000 रुपये का मशूका चोरी गया था। इस संबंध में विवेचना की जा रही थी और जो संदिग्धों का प्रकरण में उल्लेख है उनसे पूछताछ के दौरान आरोप ये है कि संदिग्धों से मारपीट की गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने राजपत्र अधिकारी से जाँच आदेशित की है, जिसमें प्रकरण की समस्त तत्वों पर जाँच होगी और जो मूल नकबजनी का प्रकरण है उस पे भी प्रकरण पंजीबद्ध है और उसमें विधिवत विवेचना गतिशील है। सर, जैस कार्यकर्ताओं की मांग है कि TI को तत्काल हटाया जाए। इसमें जो जांच आदेशित की गई है वो अगर पुलिस के कर्मियों द्वारा कोई मारपीट की गई है, अवैधानिक कोई कृत्य किया गया है तो उनके विरुद्ध विधिवत जांच की जा रही है और तदनुसार साक्ष्य अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।